कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल पे सहारों का, तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। अंबरनाथ पश्चिम की जामा मस्जिद के 75 साल पूरे होने और गैबनशाह वाली दरगाह के उर्स के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुस्लिम जमात के हाजी सलीम चौधरी ने ट्रस्ट द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा दिया। इस मौके पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने तमाम मुस्लिमों को हजरत गैबनशाह दरगाह के उर्स की मुबारकबाद दी। उपस्थित मेहमानों में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के अलावा आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर, प्रदीप पाटिल, बिस्मिल्ला शेख, वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ शेख, सुनील अहिरे, मुस्लिम जमात अंबरनाथ के डॉक्टर जुबेर शाह, यूसुफ कासम शेख, मकबूल खान, असलम खान, रईस खान और सभी मेम्बरान उपस्थित थे। बता दें कि इस साल उर्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर जुबेर शाह को जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि डॉक्टर जुबेर शाह की निगरानी में मनाया जाने वाला ये उर्स एक शानदार और यादगार उर्स होगा। आज कल्याण लोकसभा के सांसद माननीय श्रीकांत शिंदे साहब, अंबरनाथ मुस्लिम जमात और जो अंबरनाथ की मुस्लिम कमिटीज़ हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी ट्रस्ट के लिए या और किसी चीज़ की और किसी कोई भी मसले के लिए अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। जनाब सलीम चौधरी साहब, यूसुफ शेख साहब, मकबूल साहब, अंबरनाथ मुस्लिम जमात के तमाम ट्रस्टी यहाँ पर मौजूद थे। उनकी क़यादत में उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम लोग हमेशा मुस्लिम जमात को मदद करते हैं और आगे भी करेंगे। अंबरनाथ मुस्लिम जमात ट्रस्ट की तरफ से आपने क्या प्रस्ताव रखा खालसा साहब? अंबरनाथ मुस्लिम जमात की तरफ से हमने ये प्रस्ताव रखे कि अंबरनाथ की जो इंग्लिश एक उर्दू इंग्लिश स्कूल है, नेशनल उर्दू स्कूल है, उसके हालात कुछ ख़राब है और उसके साथ साथ जो हम लोगों का डायलिसिस सेंटर है वो हम शुरू करने वाले हैं, ईदगाह का कुछ काम है, उसके लिए हमने कुछ दो चार प्रस्ताव उनके आगे रखे। उन्होंने ये बोले कि जो लोग ये फैला रहे कि हम संविधान बदलने वाले हैं या कुछ और कानून में बदलाव लाने हैं, ये सब झूठ है और हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहे हैं, आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। उनकी वजह से, माननीय आमदार बालाजी साहब की वजह से अंबरनाथ को एक मुस्लिम कब्रस्तान अभी जो है मिला है, उसके बाद एक एकड़ जगह उन्होंने ली है और बाकी के भी हम लोगों के लिए जो भी डायलिसिस सेंटर बना है उसके लिए भी उन्होंने अनुदान उनकी तरफ से हमको मिला है, तो हमेशा उनका सहयोग रहा है। और अभी जो कार्यक्रम रखा गया था, जनाब सलीम चौधरी साहब, यूसुफ शेख साहब और हमारे मकबूल भाई, सभी लोग यहाँ पे प्रोग्राम में पूरे मुस्लिम जमात के जितने भी लोग थे वो भी और मुस्लिम समाज के बहुत सारे युवा नेता यहाँ पर कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने पता थे कि इससे मुस्लिम समाज के तमाम मुकरम से और ज़्यादा करके पता किया मुस्लिम समाज का कितनी मसला रहेगा खुद के बारे में और कब्रस्तान के बारे में, और उन्होंने हार ही उन्होंने कब्रस्तान समाज को ज़्यादा बढ़ोतर किया है और उन्होंने वादा किया कितनी काम रहा जितना काम जमात के करेंगे, जमात ने उनको स्वागत किया तमाम और इस ट्रस्ट को 75 साल हो गया, रजिस्टर हो गया 1949 में रजिस्टर हो गया, 75 साल का ट्रस्ट मनाया जा रहा है, साथ में डॉक्टर जयपन चौधरी का उर्स भी मनाया जा रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी के चेयरमैन डॉक्टर जुबेर साहब को दी गई है, वो पक्षी को निभा रहे हैं, साथ में पूरी जमात साथ में खड़े हैं, हम लोगों के साथ में खड़े हैं, हमारे टीम जो है पूरे उस काम को पूरा पाया जाए, तब तक उस काम को पूरा कामयाब करेंगे। अजय जयपन चौधरी को आज मैं अंबरनाथ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को 10 की 75 साल की बधाई देता हूँ और इस प्रोग्राम में 22 मिनट से 30 मिनट तक प्रोग्राम हो रहे हैं, उसके अंदर आने के लिए निमंत्रण देता कि उस प्रोग्राम के अंदर उसके शरीक हो और मुस्लिम जमात प्रसाद थे और अंबरनाथ की जनता एक होकर जय हिंद जय भारत खुदा।